जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का जीवन है। श्री कृष्ण का संगीत प्रेम का संगीत है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं प्रेम तत्वों से परिपूर्ण हैं। गोपाल कृष्ण ने दरिद्र ग्वाल वालों से, सरल और भोले भाले साथियों से मित्रता की और अपने प्रेम बल से उसने उनके मन और आत्मा को ऐसा मोह लिया कि उनकी आत्माएं कृष्ण की आत्मा में मिलकर एक हो गई। कृष्ण उनका नेता, अधिपति, मित्र एवं आराध्य देव बन गए। वह उनके लिए केवल उनके प्रेम और श्रद्धा का ही पात्र नहीं बल्कि इससे भी महत्व व्यक्ति थे। श्री कृष्ण ने अपने राजसी वस्त्रों को उतार दिया और हाथ में लकुटी लेकर वह वृंदावन के पुण्य क्षेत्रों में अपने सखा मंडली के साथ गोए चराने के लिए निकल पड़े। इस सुरम्य वन में धेनु चराते चराते उन्होंने एक कदम वृक्ष पर चढ़कर अपने सोने या चांदी की नहीं बल्कि बांस की वंशी की सुरीली तान छेड़ी, जिसकी माधुरी ने सभी चराचर प्राणियों को वशीभूत कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह वंशी उनके प्राथमिक जीवन का प्रधान अंग रही है, जिन्होंने सरलता के मूर्ति स्वरूप बालकों के आनंदमय सहवास का वायुमंडल में विचरे हैं। वे ही श्री कृष्ण के बाल जीवन को समझ सकते हैं। इसके अनंतर हम श्री कृष्ण को वृंदावन की गोपियों के हृदय स्थित प्रेम के झरनों पर अपना अधिकार जमाते हुए पाते हैं। इस संसार में स्त्रियां मानो प्रेम के सरोवर हैं। माता, भगिनी, पत्नी और पुत्री आदि के प्रेम से ही मनुष्य प्रेम का पाठ सीखता है। श्री कृष्ण इसे जानते और समझते थे, अतएव उन्होंने उनके निर्मल प्रेम को अपनाकर उन्हें अपना प्रेम दिया, जिससे कि इस प्रेमानंद अमृत सिंधु में वे दोनों निमग्न हो गए। जिन महान विद्वानों ने श्री कृष्ण के इस अंश की आलोचना की है, उन्होंने उसके इस प्रेम और परमानंद के यथार्थ तत्वों को नहीं समझा है। यह श्री कृष्ण और गोपालाओं का प्रेम आधुनिक संसार का वह कलुषित काम नहीं है जो समाज को दूषित कर रहा है। वह तो परम निर्मल, सर्वथा उच्च एवं पवित्र प्रेम था, जो कि अनायास ही दिव्य धाम का द्वार खोल देता है। जिन लोगों की यह धारणा है कि एक अपरिपक्व अवस्था का अबोध बालक भी कामेच्छा से युवतियों को मोहित कर सकता है, वे अगर पागल नहीं तो ज्ञान एवं विवेक से रहत अवश्य है। इस अनंत एवं नित्य प्रेम के ऊपर गोपियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भक्तों के लिए यह एक अनुपम शिक्षा है, जिसके अनुसार वे अपना मार्ग निश्चित करते हैं, जिससे कि वे इस प्रभु को प्रेम में ईश्वर को पहचान सकें। बहुत से सुधार प्रेमी वस्त्रहरण के सुंदर दृश्य को अपनी नासमझी से अश्लील समझते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। गोपियों के हृदय में इस बात का अभिमान था कि पारस्परिक प्रेम के कारण हमने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, किंतु उनका होने के लिए तो श्री कृष्ण और भी अधिक त्याग चाहते थे। जब तक उन गोपालाओं में संसारिकता का लेश मात्र भी रहा, तब तक वह उनके अधीन नहीं हुए, किंतु जब वे संपूर्ण लोकाचार भूल गईं और अपने हाथों को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण का आवाहन करने लगीं, तो उसने उन पर प्रसन्न होकर और उनके पूर्ण त्याग से संतुष्ट होकर उनके वस्त्रों को अर्थात सांसारिक आवरण को लौटा दिया। इसके पश्चात राजा दुर्योधन के दरबार में भी एक ऐसा ही दृश्य देखा गया है। जब पांडवों की महर्षि द्रौपदी का चीर खींचा जाने लगा, तब उसने श्री कृष्ण का आवाहन किया, किंतु जब तक वह कपड़े को थामे रही, तब तक उसे कोई ईश्वरीय सहायता प्राप्त न हुई। परंतु ज्यों ही उसने अपने को भुलाकर दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर अखंड विश्वास और भरोसे के साथ ईश्वर का स्मरण किया, त्यों ही उसे ईश्वरीय सहायता मिल गई। सच्चे ईश्वर भक्त के लिए ये कैसे सुंदर दृष्टांत हैं। यदि तुम्हें ईश्वरीय सहायता की आवश्यकता है, तो तुम्हें संसार को और अपने को भूल जाना चाहिए और तन मन वचन से उसको याद करना चाहिए, तभी तुम्हारी स्तुति सुनी जाएगी। जिन लोगों ने ईश्वर को पाया है, उन्होंने इसी रीति से पाया है। दरिद्रों में
श्री कृष्ण का प्रेम प्रत्यक्ष है। दरिद्र ग्वाल बाल और बालिकाओं ने, दरिद्र विदुर ने, दरिद्र सुदामा ने और दरिद्र पांडवों ने उनके मंगलमय प्रेम का औरों की अपेक्षा अधिक रसा स्वादन किया। पवित्र प्रेम की प्रवृत्ति दरिद्र से ही होती है। दरिद्र की सेवा ईश्वर की सेवा है। श्री कृष्ण के जीवन से इस तथ्य पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश पड़ता है। अतः यदि तुम श्री कृष्ण के जीवन को समझना चाहते हो तो तुम दरिद्रों के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दो। दलित एवं पीड़ित भी दरिद्र ही हैं। बौद्धों के भिक्षा पात्र और वैष्णवों के कंठी और झोली का भी यही मर्म है। जब तक कोई पुरुष अपने आप को दरिद्र की अवस्था में परिवर्तित नहीं कर देता तब तक वह दरिद्र को समझ नहीं सकता। दरिद्र विनम्र और पीड़ित के हृदय में भक्त अपने सजीव परममय प्रभु को उनकी संपूर्ण महिमा के साथ देख सकता है। श्री कृष्ण के जीवन से यदि मैंने कोई शिक्षा ग्रहण की है तो वो यही है।